बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर मुंह खोलूंगा देश की राजनीति में विस्फोट हो जाएगा। वहीं पर हरक ने कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान भी कर दिया है। हरक सिंह रावत इस दौरान काफी ज्यादा दुखी और भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद का शौक नहीं है, वो अब कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करेंगे। तो आप ये देखिए, हरक सिंह रावत काफी भावुक हो गए। उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई कि क्यों ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने कहा कांग्रेस में जाऊंगा और साथ ही तमाम बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा सी मीडिया से बातचीत में देखे। हमारे साथ तो उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी, कल आपको आधी रात में ये बताया गया कि बीजेपी से आपको निकाला जा रहा है और जो आपका मंत्री पद है उसको भी लिया जा रहा है, पहला रिएक्शन क्या सर उसके ऊपर आपका? मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे मीडिया से पता चला। जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला कि मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने सोचा कि जैसे फर्जी सोशल मीडिया में खबर चल रही थी कांग्रेस में सम्मिलित होने की, शायद ऐसी फर्जी खबर होगी। लेकिन बाद में जब कुछ प्रमुख न्यूज़ चैनलों ने मुझसे पूछा तो तब लगा कि हाँ ये केवल फर्जी समाचार नहीं है, सही समाचार है। अब आगे का सफर क्या है कांग्रेस? अच्छा है, उत्तराखंड का सफर है, उत्तराखंड में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, अब रास्ता वही है, उत्तराखंड के विकास का रास्ता कांग्रेस का रास्ता है। इस समय 2016 में जिस समय कांग्रेस को तोड़कर भाजपा में लाए गए थे, आप ही उसके चाणक्य थे जब आपने भाजपा में जो कांग्रेस के नेता थे उनको लेकर आए थे। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के साथ इतनी कड़वाहट हो गई? कड़वाहट नहीं हुई, इन्होंने कड़वाहट करी, मैं तो शायद घोलने की कोशिश कर रहा था। तब भी इतना मन खराब होने के बाद भी मैं सोचा था भाई अब ठीक है, रोज उम्र भी हो गई, तब रोज पार्टी बदलना भी ठीक नहीं है, चाहे और इसीलिए रह रहा था मैं आज अपत्र हूँ, नहीं तो मैं मंत्री पद इस जो है पहले साल में दे देता। हरीश रावत जी से माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा था सार्वजनिक स्थान में माफी मांगेंगे। राजनीति में कोई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और इससे बड़ी माफी क्या होगी अगर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार उत्तराखंड के विकास का माध्यम बनेगी, मैं एक गिलहरी की तरह भूमिका निभाऊंगा, तो इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है भाई। बस आखिरी दो सवाल, पहला कि क्या कांग्रेस के नेताओं से आपके अभी तक कुछ भी बातचीत हुई है? अभी तक देखिए, गोदयाल जी का, प्रीतम सिंह का, हरीश रावत जी का पहले कई बार फोन आते थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो मैं उनसे कहता था जैसे होता ही है भाई, छोटा प्रदेश है, सबसे संबंध होते हैं, तो मैं कहता था भाई मैं देखूंगा भाई साहब, अभी मैं मन नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन अब बात करूंगा सबसे। उत्तराखंड की राजनीति में आपने हमेशा किंग मेकर का एक रोल अदा करा, इस बार क्या किंग बनने का कुछ प्लान है? देखिए, किंग बनना हमारे हाथ में नहीं है। मैं दूसरों के लिए बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, टीम जितवा सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद के लिए आदमी, जैसे खुद का मुंडन कोई नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, दूसरों को जीरो से हीरो बना सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है, लेकिन खुद के लिए मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। ये था हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी। कल रात भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें निष्कासित भी करा था, मंत्री पद से भी हटाया था। अब हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति किस करवट लेती है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।